बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गिरिदास जी महाराज की जय। ब्रह्म योगेश्वर मान विभूति ब्रह्म पूजा गुरुदेव महर्षि गंगादास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सभी पूजा संतों को सत्साहित प्रणाम, सभी भक्तों को भी सत्साहित प्रणाम। हमारे सभी दिव्य महापुरुषों ने मनुष्य को भजन करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा केवल खाने पीने सोने और भोगों में व्यतीत हो जाता है। श्वास तो एक ही है, अगर संसार का चिंतन करोगे तो पतन है, अगर परमात्मा का स्मरण करोगे तो फिर भजन है। और सतगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि अजीब ये परमात्मा मिलने की बरिया है, ये पीर से मिलने का अवसर है, लेकिन बिना भजन के तू इस जीवन को वृथा क्यों गवा रहा है। अपनी वाणी में बड़ा सुंदर फरमाते हैं, हरि का भजन करो रे जीवरा, पूर्ण मिल से पिवरा, यो तन देखे हो जागा, हंसा होत बटाओ, खान पान नहीं गिरह गाठ का, कौन तुम्हारा साओ। कहते हैं जीव हरि का भजन करो, भौरण मिल से पिवरा, फिर किसी योनि में किसी जन्म में वो पीव नहीं मिल पाएगा। ये पीव से मिलने का समय है। ये जो शरीर मिला है ये तो एकदम राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। इसमें जो जीव आत्मा हंस है वो निकल जाएगी, वो हटाऊ है, वो ठहरेगी नहीं, वो तो अपने लोक में चली जाएगी। और फिर जाएगी तो रास्ते के लिए उसके लिए खान पान उसकी गांठ में कुछ नहीं है, कौन तुम्हारा साओ, ना कोई संगी साथी होगा, अकेले ही जाओगे। अरब खरब लग दरवश केरा, राजा रंग भया रे, लखी करोड़ी भया अंत बेर, दली दर नहीं गया रे। पूरी जिंदगी में कितना अरबों खरबों धन इकट्ठा कर लिया और बांटा भी उसका सदुपयोग नहीं किया, तू राजा से फिर रंग बन गया। अच्छे गुणों से राजा बना लेकिन केवल संकेरा इकट्ठा किया तो फिर तू रंग बन जाएगा। कभी लखपति बना कभी करोड़पति बना कितनी बार, लेकिन भीतर की दरिद्रता नहीं गई। कभी भी बाहर की धन संपत्ति से हमारी दरिद्रता नहीं जाती है। जब तक भीतर परमात्मा का नाम इकट्ठा नहीं होगा तब तक धनी नहीं कहलाएंगे हम। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, फिर पीछे पसदाएगा प्राण जाएंगे छूट। कबीरा सवधन निर्धन है धनवंता ने कोए, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये धन तो यही रह जाएगा, यही इकट्ठा किया था। जिसके पास राम नाम का धन है वही सम्राट है, वही अमीर है। और फिर कितनी बार दुखनों से कैसी कैसी पदवी मिली, इधर कुबेर भये कली माई, चक्रवर्ती चंद्रदारी, डोम बाट हो बटका खाया, ब्राह्मण मंड भिखारी। कितनी बार तू इंद्र की पदवी पर बैठा, कुबेर धन के भंडारी बना, कलयुग में अच्छे से अच्छी योनि पाई, चक्रवर्ती छत्रधारी राजा बना, लेकिन वहां भी अगर गलत उल्टे काम किए फिर डूम भाट बनेगा। जगह जगह गीत गाता फिरेगा, लोगों से मांगेगा और भिखारी बन जाएगा, ये तेरी दुर्गति हो जाएगी। नर घर सो कर स्वान फिर कीना, कौवा हंस बुगारे, चौरासी में उल्ट परे, लागे नहीं लगारे। कहा तो तू इंद्र कुबेर इसकी पदवी पर था छत्रधारी राजा, लेकिन अच्छी करनी नहीं की, भजन नहीं किया, फिर नर खर शुकर स्वान
कभी हंस बना, कभी बुगला, कभी कौवा, इस 84 में फिर लाकर पटक दिया, लेकिन परमात्मा की लगन फिर भी नहीं लगी। और लगन बिना परमात्मा मिलता नहीं, और लगन तो मनुष्य के चोले में लग सकती है। चाकर चोर कठोर कुटिल है, कृतघ्नी तो ठगवा, जंगल रीछ बनेगा भाई मन खंडों का भगवा। तू कैसा चोर बन गया, कठोर बन गया, दिल का कुटिल कृतघ्नता तेरे अंदर आ गई, लोगों को ठगने लगा, ऐसे बुरे कर्म करने लगा, तो तेरी निश्चित रूप से पतन होगा। तो क्योंकि मनुष्य जीवन अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, और कृतघ्नी कौन है? कृतघ्नी बोले नर लोई, जागत निश्चय नाम न होई। जिस परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, श्वास दिया, सारी व्यवस्था की, उसी को भूल गए। और हर व्यक्ति कर्म में कॉल करके आता, प्रभु अब की बार बाहर निकाल दे, तेरा भजन करूंगा, लेकिन अपने करार को भूल जाते हैं, कृतघ्नी बन गया। फिर तू जंगल में वृक्ष बनेगा, छिपता फिरेगा, और वनखंडों में जाकर, जंगलों में जाकर फिर बाघ बनेगा, लोग तेरा शिकार करेंगे, कभी भी कोई गोली मार देगा। मान वचन तू समझ सवेरा, शुद्ध करो शुद्ध लाओ, खोजो तम रूप अनातम, बैरागर पद पाओ। सतगुरु कितने अच्छे तरीके से समझा रहे, मान वचन तू समझ सवेरा, मेरा कहा मान ले, मेरे वचनों पर अमल कर ले, जब जाके सभी सवेरा है। अभी भी शुद्ध कर ले, शुद्धि लगा ले नाम में, परमात्मा में, और उस अपने आत्म स्वरूप को खोज। तू कौन था? उस परमात्मा का जो अंश है, उस बैरागर पद को क्यों नहीं जाता है? बैराग बिना परमात्मा मिलता नहीं है, तू तो संसार के विषयों में आसक्त हो गया। बैरागरी है परम पदार्थ, निराकार निर्वाणी, दिव्य दृष्टि हो देख दर्श, तो मिट है चारों खानी। बैरागर पद क्या है? वो परम पदार्थ, वो परम तत्व है, जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, और वो है निराकार, निर्लेप, निरंजन परमात्मा, निर्वाणी, जो वाणी से भी परे है। लेकिन वो कैसे दिखाई देता है? दिव्य दृष्टि हो देख दृष्टों, इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देता, इससे तो संसार दिखाई देता है, वो तो दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा, अपने भीतर के उसका दर्शन कर, और जब दर्शन कर लिया तो मिट है चारों खानी। तेरी चारों खानी, अंडज, जरेज, उद्भुज और स्वेदज, इनसे पीछा छूट जाएगा। कुछ जीव है जो अंडे से पैदा होते, पक्षी वगैरह, कुछ जरेज जेर से, जैसे गाय भैंस मनुष्य, स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, उद्भिज जो भूमि को फोड़ कर निकलते हैं जैसे पेड़ पौधे, तो इन चारों खानियों के अंदर ये 184 योनि आ जाती है। तो ये बिना भजन के, परमात्मा के दर्शन के बिना नहीं मिटती है। अक्षर मेरी अक्षर हरे भुज है मारा ज्ञाना, गरीबदास चिंता मणि माया, अदम दर्श दीवाना। एक होता अक्षर जो नष्ट होने वाला है, एक अक्षर ज्ञान, एक नी अक्षर ज्ञान। एक तो हम श्वास को सुमरण करते हैं, एक इससे भी परे नी अक्षर है, जो अक्षरों से परे है, जो छह से परे है। कहते हैं उसका ध्यान करो, उस हमारे असली ज्ञान को बुझ जो परमात्मा का है, और वही ज्ञान हमारे सतगुरु ने मुझे दिया, उसी के बलबूते गरीबदास चिंतामणि पाया, उस चिंतामणि परमात्मा को मैंने पाया, अपने भीतर दर्शन किया, उस चित्त में ही परमात्मा का नूर झलका, हरदम दर्श दीवाना, और मैं तो हरदम उस परमात्मा का दर्शन करता हूँ, और दर्शन करके उसका दीवाना हो गया हूँ। इसलिए हम तो संसार के दीवाने हैं, तो पतन होता है, और जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है वो उसका दीवाना हो जाता है, वो संसार में रहकर ये संसार से अलग और न्यारा हो जाता है। तो सतगुरु गरीबदास महाराज ने सब जीवों को यही प्रेरणा दी कि हरि का भजन करो रे जीवरा, बोरन मिलसी पीवरा। प्राणी
करो, ये पिए मिलने की बढ़िया है और फिर ये चोला पीने का मिले इसको व्यर्था नहीं गवाना है। ये जागने का समय है, जागो, जितना हो सके परमात्मा का सतगुरु का भजन करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।